हरिओम नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको बताने वाला हूँ कार के अंदर लगे इंडिकेशंस के बारे में। इंडिकेशंस के बारे में जब भी आप कोई गाड़ी खरीदते हैं तो इस इंडिकेशन के बारे में आपको कोई कुछ भी नहीं बताता है कि भाई इंडिकेशन का मतलब क्या है, ये प्रकाशित होते हैं तो क्या करना है। इसलिए इस इंडिकेशंस के बारे में आपको किसी व्यक्ति से ही या किसी जानकार व्यक्ति से पूछकर जानकारी लेनी पड़ती है। कई बार किसी से पूछते हैं तो भी अधिकतर लोग नहीं जानते इसके बारे में, तो हमें चाहिए कि हम जिस गाड़ी को ड्राइव कर रहे हैं उसके इंडिकेशन के बारे में हमको मालूम होना चाहिए। तो आइए देखते हैं एक एक इंडिकेशन के बारे में। सबसे पहले ये लेफ्ट साइड जो इंडिकेशन आपको दिख रहा है, ये वाला इंडिकेशन, ये लाल लाल कलर का ये इंडिकेशन, तो ये इंडिकेशन जो है वो सीट बेल्ट का है। जैसे सीट बेल्ट जब खुला हुआ है, यानी कि इसमें कोई भी इंडिकेशन बताता है तो इसका मतलब ये होता है कि कोई न कोई एबनॉर्मल चीज़ है। तो ये लाल नॉर्मल में जलना नहीं चाहिए। जब गाड़ी सुरक्षित रूप से चल रही है तब कोई भी बत्ती प्रकाशित नहीं होनी, ये जो बत्तियाँ प्रकाशित हो रही है कोई भी लाइट प्रकाशित नहीं होनी चाहिए। अब ये लाल लाइट प्रकाशित हो रही है मतलब ये बता रही है कोई न कोई एबनॉर्मल चीज़ है। तो ये लाल लाइट है हमारे सीट बेल्ट की। जब आपका सीट बेल्ट खुला हुआ है और गाड़ी आपने स्टार्ट कर दी है तो ये लाल बत्ती प्रकाशित होकर हमें बताती है कि इस बत्ती को आपको बुझाना है। और कैसे बुझाओगे? सीट बेल्ट को लगाकर। तो हाँ, ये हम सीट बेल्ट लगा देते हैं और फिर देखते हैं ये लाल बत्ती बुझती है कि नहीं बुझती है। ये हमने सीट बेल्ट को लगा दिया, ये लगा दिया और ये बुझ गई। ये दोस्तों ड्राइवर बेल्ट की सीट बेल्ट की ही इंडिकेशन है। बाकी वाला सीट बेल्ट जो बाजू में है वो खुला रहेगा तो इस लाइट का इंडिकेशन नहीं आएगा। तो ये सीट बेल्ट का हमने जान लिया। अब सीट बेल्ट को वापस खोल देता हूँ क्योंकि गाड़ी अभी खड़ी है, इसके लिए सीट बेल्ट की ज़रूरत नहीं है। इस सीट बेल्ट को वापस मैंने खोल दिया है। तो ये आपको जानकारी हो गई सीट बेल्ट की, लाइट है। तो सीट बेल्ट लगाकर ही हमें गाड़ी को ड्राइव करना चाहिए, ये हमारे लिए सुरक्षा की बात है। अब बात करते हैं इधर, सबसे पहले ये जो ऊपर लाइट जल रही है उसकी, ये लाइट देखने से ही मालूम पड़ता है कि ये ऑयल का जो कूपी होती है ना, ऑयल डालने वाली, इस तरह का इंडिकेशन दे रहा है। तो इसका मतलब ये होता है कि हमारे इंजन के अंदर जो लूब ऑयल है, जो लुब्रिकेशन ऑयल है, वो ऑयल का लेवल कम हो गया है। यानी कि गाड़ी जब नॉर्मल में चल रही है तो ये लाइट प्रकाशित नहीं होनी चाहिए। अगर ये लाइट प्रकाशित होती है तो आप जल्दी से जल्दी इसके लूब ऑयल को चेक करवाइए और उसमें ऑयल डलवाइए मैकेनिक्स के पास गाड़ी को ले जाकर। ज़्यादा देर तक अगर ये लाइट प्रकाशित रख के गाड़ी चलाते रहेंगे तो इंजन में नुकसान हो सकता है। तो उसके बाद में आगे बढ़ते हैं ये वाली पीली लाइट पर। ये जो पीली लाइट प्रकाशित हो रही है इसके बारे में बात करेंगे। ये पीली लाइट, ये लाइट जो है कि इंजन की है, यानी कि इंजन में किसी भी प्रकार की कोई खराबी होती है तो ये लाइट प्रकाशित होती है। ये लाइट प्रकाशित होने पर इंजन तुरंत बंद नहीं होगा, लेकिन थोड़ी देर बाद वो बंद भी हो सकता है, ख़राब भी हो सकता है। तो जब भी ये लाइट प्रकाशित होती है इंजन में कोई न कोई गड़बड़ है, आप जाके इसको मैकेनिक को दिखाइए। उसके बाद में इसके जस्ट नीचे ये लाइट प्रकाशित हो रही है लाल कलर की। इसका चौकोर आकार है और आपको देखने से मालूम पड़ रहा है ये बैटरी के आकार की। इसमें प्लस माइनस भी लिखा हुआ, ध्यान से देखेंगे, और ऊपर दो टर्मिनल भी बने हुए हैं। तो ये बैटरी की लाइट है। बैटरी जब भी रन डाउन हो जाती है, यानी बैटरी डिस्चार्ज हो जाती है, तो ये लाइट आना चालू हो जाएगी। ये लाइट आने के बाद जल्दी से जल्दी आपको गाड़ी को दिखाना होगा मैकेनिक को और बैटरी को रिचार्ज कराना होगा। यानी कि गाड़ी तो आपकी चालू है लेकिन बैटरी ख़राब हो गई है इसलिए रिचार्ज नहीं हो रही है, तो इसको आपको सर्विस स्टेशन पर ले जाकर रिचार्ज करना होगा। लेकिन कहीं आप बाहर चल रहे हैं तो फिर इस कहीं कहीं ज़रूर दिखा दीजिए गाड़ी को, नहीं तो आगे जाके ये गाड़ी में खराबी पैदा हो सकती है। उसके बाद में आगे वाली लाइट देखते हैं। ये वाली लाइट दिख रही है, देखो ये जो लाइट दिख रही है, ये लाइट ये इंडिकेशन करती है कि इस गाड़ी के अंदर पावर स्टेयरिंग है। यानी कि जो पहिया चलाने वाला ये जो स्टेयरिंग है, ये स्टेयरिंग देख रहे हैं ना आप, स्टेयरिंग ये पावर स्टेयरिंग है। पावर स्टेयरिंग का मतलब होता है कि गाड़ी को ईजिली मुड़ाया जा सकता वगैरह, जो भी ऑपरेशन इसका होता है वो इजीली होता है। लेकिन आजकल देखा जाए तो अधिकतर गाड़ियों में पावर स्टीयरिंग आता है, लेकिन कई लोगों के पास पुरानी गाड़ियां भी है अभी तक जिसमें पावर स्टीयरिंग नहीं है, तो ये लाइट उसमें नहीं होगी। तो ये लाइट है तो इसके अंदर पावर स्टीयरिंग है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं तो ये वाली लाइट, ये इसमें एक कार दिख रही है और ये लॉक जैसा दिखता है। ये कार है, कार के ऊपर लॉक लगा हुआ है। यानी कि ये जो लाइट है इंजन की इमोबिलाइजर लाइट है। इसका मतलब ये होता है कि जिसमें ये लाइट प्रकाशित हो रही है उस गाड़ी के अंदर इंजन की सुरक्षा के लिए इमोबिलाइजर डिवाइस लगी हुई है।
उस डिवाइस का मतलब ये होता है कि जो गाड़ी की चाबी होती है उस चाबी का जो प्लास्टिक कवर होता है उसके अंदर ही एक ऐसा चिप लगा होता है और वो इस गाड़ी के इग्निशन के अंदर भी लगा होता है। जब दोनों की फ्रीक्वेंसी मैच होगी तभी गाड़ी स्टार्ट होगी। इग्निशन तो ऑन हो जाएगा, इंजन भी खर्र 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 इस प्रकार स्टार्ट भी होगा, लेकिन गाड़ी पूरी तरह से स्टार्ट नहीं होगी। इस प्रकार गाड़ी को चोरी से बचाया जा सकता है, इसके लिए ये लगाया हुआ है। तो ये इंडिकेशन उसका है, यानी कि इसके अंदर इमोबिलाइजर डिवाइस लगी हुई है। ये कभी भी प्रकाशित होती है, भाई गाड़ी स्टार्ट नहीं होगी, प्रकाशित होता है, बताया गया इमोबिलाइजर है और आपकी फ्रिक्वेंसी सेट नहीं है। तो कभी आपकी गाड़ी की चाबी खो जाए तो ध्यान रखिएगा, चाबी को बड़ा संभाल के रखना है, क्योंकि अगर चाबी खोती है और अगर आप डुप्लीकेट चाबी बनाते हैं तो डुप्लीकेट चाबी बनाने का बहुत ज़्यादा खर्चा होता है। क्यों? क्योंकि कंप्यूटर में वापस उसका प्रोग्रामिंग करना पड़ता है चाबी के साथ में, इसके लिए उसका खर्चा बहुत ज़्यादा आता है, इसलिए चाबी को आप लोग संभाल कर रखें। अब एक लाइट के बारे में और बताता हूँ जो इंजन को हॉट आ जाने पर जलती है। ये बताता हूँ लाइट कैसे जलती है, देखिए वो थोड़ी देर के लिए आएगी, गाड़ी को पूरी तरह स्टार्ट करके वापस बताता हूँ। ये आएगी लाइट, ये देखो ये लाइट आई, ये बंद हो गई वापस। तो जो लाइट आके बंद हो गई है वो लाइट अगर आपका इंजन हॉट हो गया है तो हॉट हो जाने पर ही वो लाइट प्रकाशित होती है। तो हॉट हो जाए इंजन तो उसको जल्दी से जल्दी गैरेज में ले जाकर ठीक कराएं। इसका लाइट को एक बार और देख लीजिए, क्योंकि आपको ये जो बुझ गई ये बुझ जाएगी वापस, ये बुझ गई, बाकी सब लाइटें प्रकाशित है और वो बुझ गई है। फिर एक बार और देख लीजिए, ये लाइट वो बुझ गई। तो ये जब इंजन हॉट हो जाता है तो इसको तो जल्दी गाड़ी को कहीं भी साइड में लगाइए और इंजन को ठंडा होने के लिए छोड़ दीजिए, ये लाइट तब प्रकाशित होती है। अगर आपने गाड़ी को ठंडा नहीं किया तो आगे जाके इंजन बंद हो सकता है और इंजन ख़राब भी हो सकता है। यहाँ पर ये देखते हैं मीटर के बारे में, थोड़ा सा बता देते हैं आपको। ये जो मीटर है यहाँ पर ये पेट्रोल का टैंक जैसा निशान बना हुआ है और यहाँ इधर इधर लेफ्ट साइड में तीर का निशान है। इसका मतलब ये होता है कि इस गाड़ी के अंदर जो फ्यूलिंग पॉइंट है, जो ढक्कन खुलता है, वो लेफ्ट साइड में खुलेगा। क्योंकि हो सकता है कभी कभी आप दूसरे की गाड़ी भी चला रहे हो तो आपको पेट्रोल भरवाना डीजल भरवाना, तो आपको मालूम नहीं पड़ेगा कि इसको किस साइड में गाड़ी को लगाऊं। तो इस तीर के निशान को देख के आप पता कर सकते हैं कि इसका फ्यूलिंग का ढक्कन किस साइड में है। उसके बाद में ये जो लिखा हुआ ई का मतलब होता है एम्प्टी। जब पेट्रोल का टैंक एम्प्टी खाली हो जाता है तो यहाँ तक ये जो निशान बने हुए हैं वो सब निशान यहाँ तक आ जाएंगे। और इधर लिखा फुल, एफ़ का मतलब फुल, यानी कि टैंक फुल भरा हुआ। अभी मेरी गाड़ी का पेट्रोल का टैंक जो है वो फुल भरा हुआ है, इसलिए ये फुल पे बता रहा है। और जब हाफ पे होता है तो ये हाफ में भी निशान है। और जब ये एक निशान रह जाएगा तो यहाँ पे फ्लिकिंग करना स्टार्ट करेगा, यानी कि फ्लिकिंग का मतलब क्या है, जल आएगा मिटेगा आएगा मिटेगा। तो उसके बाद भी गाड़ी में पेट्रोल रहता है तो इसलिए ज़्यादा चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, जल्दी से जल्दी पेट्रोल पंप पर ले जाएँ और गाड़ी में फ्यूलिंग करवाएं। तो इस तरह दोस्तों आज हमने देखा कि गाड़ी के अंदर जो इंडिकेशन लाइटें होती है उनका क्या महत्व होता है। नेक्स्ट वीडियो में अपन ये मीटर के बारे में, इस मीटर के बारे में भी जानेंगे और ये जो ये स्विच, ये तीखा तीखा स्विच लगा हुआ है, बटन लगा हुआ है, इसके बारे में भी जानेंगे। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इस पर कमेंट ज़रूर कीजिएगा ताकि मैं नेक्स्ट वीडियो भी आपके लिए बना सकूँ। धन्यवाद।